हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप सबको एक दफा फिर मेरे चैनल पे खुश आमदीद और आप सबको इस नए एपिसोड में एक दफा फिर वेलकम। मैं काफी अरसे से गायब था बट फाइनली वापसी हो गई और जो बेस्ट पार्ट है, द गुड थिंग हियर इज के एक और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ वापसी हुई है जो कहता है एक बहुत ही जबरदस्त परफ्यूम हाउस से। तो पिछले कुछ महीनों से एक्चुअली मैं कुछ तलाश में हूँ, आप समझ लें कि एक जस्तजू है कुछ नए हाउसेज एक्सप्लोर करने की और कुछ मूड था कुछ फ्रेंच हाउसेज एक्सप्लोर करने की। तो कुछ वीक्स पहले, कुछ मंथ पहले मैंने एक परफ्यूम रिव्यू किया था क्रोसाओ बे फ्रॉम द हाउस ऑफ जैक फॉर्ड, वो भी एक नई डिस्कवरी थी। तो एक दफ़ा फिर आज के इस वीडियो में मैं जो एक हाउस लेके आया हूँ, ये शायद आपको के लिए एक नया हाउस हो, शायद कुछ भाई ने उसको ऑलरेडी ट्राई किया हो, बट बहुत सारे हाउसेज ट्राई करने के बाद मुझे जो कुछ हाउसेज अच्छे लगे जो मैंने जिनकी मैंने चीज़ें मंगवाई उनमें से ये एक है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ परफ्यूम हाउस नोन एज सोराडोरा, और जो परफ्यूम मैं यहाँ इनका रिव्यू करूँगा उसका नाम है मैंटोरले। तो मैंटोरले नाम की अगर बात की जाए तो ये एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है बादाम। तो चलें सबसे पहले कुछ बात करते हैं इस ब्रांड की, सोराडोरा की। तो सोराडोरा बेसिकली एक हाउस है जो कि फ्रांस में बेस करते हैं, और ये मुझे क्यों पसंद आया उसके पीछे एक रीजन ये है कि दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, समथिंग वेरी न्यू इनका जो एक स्टाइल है। क्योंकि परफ्यूमरी में आजकल कुछ ऐसा हो गया है कि आप अगर 20-30 परफ्यूम चेक करें तो आपको शायद उनमें से एक भी यूनिक या डिफरेंट आपका परफ्यूम ना मिले। मिलते जुलते स्टाइल उसी तरह के कुछ नोट्स आगे पीछे करके परफ्यूम बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ हाउसेज ऐसे हैं जो बिल्कुल एक हट के काम करते हैं जिसके अंदर अभी पिछले दिनों पिछले एक दो साल में जैसे गैनीमेड आया था, टोटल एक हट के चीज थी। इस तरह कुछ हाउसेज होते हैं जैसे मेंसेरा है, मेंसेरा का परफ्यूम आप दूर से ही स्मेल करते हैं, यू कैन टेल कि यार ये मेंसेरा का परफ्यूम है। इसी तरह मतलब कुछ हाउसेज होते हैं जिनकी एक बड़ी अपनी सिग्नेचर फील होती है। उसी तरह ये हाउस मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि इनकी एक अपनी स्पेशल यूनिक फील है और ये अपनी एक अलग से सिग्नेचर फील बनाने में कामयाब हुए हैं। और इनका कोई भी परफ्यूम जब आप स्मेल करेंगे तो आपको फ्रॉम द फर्स्ट स्निफ, अगर आप नई परफ्यूम्स यूज किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, यू विल नो कि यार दिस इज समथिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ सोराडोरा। तो मैंने इनके ये तीन सैंपल्स चेक किए थे और बाकी दो परफ्यूम्स की भी इंशाल्लाह जल्दी बात करेंगे। और जो मैंने इसमें से फर्स्ट ऑर्डर किया जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो था मैंटोरले, क्योंकि मुझे मिडिल ईस्टर्न कॉम्प्लेक्स और थोड़े से जो हार्ड टाइप के जो सेंट होते हैं मुझे ज्यादा पसंद आते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप के मुझे परफ्यूम्स पसंद हैं। तो उस हिसाब से मैंने ऑर्डर किया था मैंटोरले और मैंने इसको रियली में एंजॉय किया। और जो यहाँ पे एक यूनिक फैक्टर है जो जिस वजह से मुझे ये हाउस पसंद आया वो ये है कि जो इन्होंने एक अपनी फील क्रिएट की है वो बहुत ही फोटो रियलिस्टिक है। इसमें आपको इनके परफ्यूम्स में जो भी नोट मिलेंगे वो आपको बहुत रियल टाइप के आपको स्मेल कराएंगे। फॉर एग्जांपल अगर इनके किसी परफ्यूम में मिंट का नोट है तो वो आपको लिटरली पुदीने की स्मेल देगा, एक फोटो रियलिस्टिक ऐसा लगेगा यार पुदीना मेरे सामने रखा हुआ है। और उसके अलावा अगर इसमें कहीं वेनीला है तो आपको बड़ी ही रियलिस्टिक वेनीला की स्मेल आएगी। अगर उसमें किसी वुड का या कोई भी नोट अगर मेंशन किया गया है तो आपको एक बिल्कुल रियलिस्टिक टाइप का आपको वो फील देता है। तो जो पूरी कंपोजिशन है, जब एक पूरा परफ्यूम बन के आता है आपके सामने तो एक बड़ी उसकी एक सिग्नेचर टाइप की यहाँ पे फील है। तो ये था कुछ इस ब्रांड के बारे में, उनकी कुछ फील के बारे में जो काफी यूनिक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रिव्यू और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह के बड़े ही खूबसूरत बॉक्स में, सॉलिड बॉक्स है, फिनिशिंग यहाँ पे आप देख सकते होंगे थोड़ी सी रफ टाइप की है। यहाँ आपको नाम मिलता है सोराडोरा हाउस का यूवी स्पॉटिंग में, यहाँ आपको नाम मिलता है मैंटोरले पर्पल में प्रिंट हुआ हुआ है, नीचे आपको मिलेगा परफ्यूम या परफ्यूम कंसेंट्रेशन, फिर यहाँ पे 50 ml, यहाँ पे ऑन्सेस में क्वांटिटी, नीचे एक दफा फिर सोराडोरा। और सेम यही पैटर्न कॉपी किया गया है बैक पे, और यहाँ साइड पे आपको एक सिग्नेचर मिलता है हाउस का दोनों साइड पे, फिर टॉप पे आपको मिलते हैं इनके इनिशियल्स SD सोराडोरा के, एंड देन इन द बॉटम आपको मिलेगी इस पूरी इंग्रेडिएंट की डिटेल और आपका बैच कोड वगैरह सब यहाँ पे नीचे आपको बॉटम में मिलता है। और जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो यहाँ आपको मिलता है एक बड़ा ही खूबसूरत कार्ड इस तरह से, बोतल यहाँ पे मिलती है इस कट आउट में फोम के, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो उससे पहले आप देखेंगे आपको मिलता है ये एक ब्लैक कलर का कार्ड जिसपे आपको मिलेगा नाम परफ्यूम का, और इसके बैक पे आपको मिलेंगे तमाम नोट्स, नोट्स प्रोग्राम मिलता है आपको यहाँ पे बैक में
फ्रेंच में। तो नाम परफ्यूम का इटालियन में लिखा हुआ है, लेकिन जो नोट्स ब्रेकडाउन है यहाँ पे, क्योंकि फ्रेंच हाउस है तो तमाम आपको यहाँ पे नोट्स फ्रेंच में आपके पीछे यहाँ पे मिलते हैं यूवी स्पॉटिंग में प्रिंट हुए हुए। तो ये था कार्ड, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे इस बॉक्स में मिलता है एक बड़ा ही खूबसूरत ये रुमाल सा कपड़े का एक पीस है, जिसके ऊपर पूरी आपको यहाँ ब्रांडिंग मिलती है एसडीके इनिशियल्स की, सोरा डोरा की, और मेरे ख्याल से ये दिया गया है मॉडल को क्लीन अप करने के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके अलावा तो इसका मकसद हो सकता नहीं है, आजकल लोग रुमाल का यूज करते हैं, तमाम दुनिया भी आजकल टिश्यू पेपर पे है। तो ये था इसका बॉक्स और इसकी प्रेजेंटेशन, आई रियली लव्ड इट। और चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इसकी बॉटल, और बॉटल लिटरली इज अमेजिंग। तो ये मिलता है परफ्यूम आपको इस तरह की बहुत ही खूबसूरत क्यूब शेप बॉटल में, यहाँ से आपको ग्रेडियंट दिख रहा होगा, डार्क ब्राउनिश चॉकलेटी टाइप पे यहाँ से ऑलमोस्ट ब्लैक से ब्लेंड करता है ट्रांसपेरेंट की तरफ। और जो सबसे खूबसूरत चीज मुझे इस बॉटल में लगती है वो है इसका कैप। इस कैप पे यू कैन सी कि एक मार्बल की पूरी यहाँ पे डिजाइनिंग है, और बॉटल पे कुछ भी नहीं मिलता आपको सिवाय यहाँ फ्रंट पे परफ्यूम के नाम के मेंडोरले, और कैप पे आपको मिलते हैं इनिशियल्स, फिर परफ्यूम के एस डी। कैप काफी हैवी है, इट्स नॉट मेड ऑफ स्टोन ऑफ कोर्स, पत्थर का ये नहीं, मार्बल का पीस नहीं, बट इट्स क्वाइट हैवी, और फिनिशिंग वगैरह इसकी काफी अच्छी है, बट आई लव द फील। और इस तरह का ब्लैक एटमाइजर यहाँ पे मिलता है, एटमाइजर भी काफी अच्छा है। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन, छोटी मीडियम साइज की बोतल है, बट इट लुक्स वेरी नाइस इन योर हैंड्स, और शेल्फ पे भी रखी हुई काफी अच्छी लगेगी। तो ये था प्रेजेंटेशन के बारे में, और चले अब मैं बताता हूँ आपको उसका नोट्स ब्रेकडाउन, और फिर कोशिश करूंगा आपको बताने की कि कैसा स्मेल करता है। तो अगर नोट ब्रेकडाउन की बात करें तो वैसे तो आपको कार्ड की बैक पे मिल जाएगा, लेकिन वो फ्रेंच में है तो मैं आपको इंग्लिश में नोट ब्रेकडाउन दे देता हूँ। तो यहाँ आपको मिलता है स्वेड लेदर, रम, टोंका बीन, वेनिला, कैरमल, हिलियोट्रॉप, कश्मीर वुड, कैकाओ, वुडसी नोट और वाइट मस्क। तो अगर आप इस पूरे कंपोजिशन या इस पूरे कम्बिनेशन को देखें तो यू विल नो कि दिस इज सो यमी, सो डिलीशियस, एंड इट लुक्स सो गुड। मेरे बहुत सारे फेवरेट नोट्स इस परफ्यूम में दिए गए हैं, जैसे कि लेदर, आई लव लेदर, रम, मुझे बूजी नोट्स बहुत पसंद हैं, रम का नोट आई लाइक अलॉट, फिर इसमें वेनिला और कैरमल, और उसके साथ साथ कैकाओ, चॉकलेटी फील, वुडी नोट्स और मस्क। सो इट लुक्स सो गुड, और परफ्यूम खुद से भी बहुत ही खूबसूरत स्मेल करता है। तो चलें बात करें अगर इसकी ओपनिंग की, तो इसकी ओपनिंग स्वीट, क्रीमी और बूजी है। जो परफ्यूम का नाम है मैंडोरले, उस हिसाब से आपको इसमें एक बादामों की एक क्रीमीनेस की फील आती है, लेकिन एलमंड का ऐसा आपको डायरेक्टली कोई ऐसा नोट नहीं मिलता। तो स्वीट, बूजी, क्रीमी ओपनिंग मिलेगी यहाँ पे आपको। आपको स्टार्टिंग में मिलता है एक नोट रम का, उसके साथ आपको एक बहुत ही प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग डोमिनेट करता हुआ नोट मिलेगा चेरी का। और इस परफ्यूम में आपको समहाउ एक चेरी लीकर, जो लोग यूरोप साइड में रहते हैं उन्होंने चेरी लीकर बेकरी वगैरह पे यहाँ वहाँ रेस्टोरेंट्स में लाजम स्मेल की होगी, इवन दे डोंट ड्रिंक इट, लेकिन आपने कभी ना कभी वो स्मेल की होगी, खासकर जो लोग वेस्ट में रहते हैं। तो आपको यहाँ पे चेरी लीकर टाइप की इस परफ्यूम में फील मिलती है। चेरी का नोट यहाँ पे नोट ब्रेकडाउन में बिल्कुल नहीं दिया गया, लेकिन मेरे ख्याल से ड्यू टू रम, क्योंकि रम जो होती है उसमें से भी आपको एक फ्रूटी बूजी आपको फील आती है, तो शायद इसमें चेरी थोड़ी ज्यादा यूज की गई, जो रम का नोट यहाँ बनाया गया, जो एकॉर्ड बनाया गया है, तो उस वजह से आपको यहाँ पे चेरी लीकर की यहाँ पे फील मिलती है। उसके साथ आपको मिलता है यहाँ पे वार्म वेनिला का नोट और अलॉट ऑफ टोंका, और टोंका जो है वो इस परफ्यूम को एक क्रीमी और पाउडरी टाइप की यहाँ पे फील देता है। और फिर उसके बाद ओवर द टॉप आपको एक ब्लेंड या मिक्स मिलता है स्वेड लेदर का, जो कि बड़ा ही सॉफ्ट और बड़ा मखमली सा है, मिक्स्ड विद आउट ऑफ कैरमल। कैरमल अगर आपने जेपीजी का अगर आपने स्कैंडल यूज किया हो, तो जिस टाइप का कैरमल उसमें है, एक बड़ा ब्लेंड सा चौकी सा कैरमल स्वीट सा, आपको उस टाइप यहाँ पे कैरमल मिलता है मिक्स हुआ हुआ लेदर के साथ। तो लेदर एंड कैरमल, इट वर्क्स वेरी नाइस। और फिर उसके बाद सोने पर सुहागा कि आपको कैकाओ का नोट जो है वो एक आपको एक चॉकलेटी फील देता है इस पूरे कंकॉक्शन में। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो दिस इज अ गुरमेंट टाइप ऑफ सेंट इन अ वेरी यूनिक वे। जिन लोगों को गुरमेंट परफ्यूम्स पसंद हैं, गुरमेंट वो परफ्यूम्स होते हैं जिसमें से आपको एक सेवरी, आपको एक खाने पीने वाली जो स्वीट चीजें होती हैं जिनमें आपको उस तरह की फील आती है, जिन खुशबुओं को सूंघ के आपके मुंह में पानी है, उनको गवर्नमेंट परफ्यूम्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी एक गवर्नमेंट परफ्यूम है, उस कैटेगरी में आता है, बट
बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। तो कुछ इस तरीके से ये स्टार्ट करता है। इसमें आपको चॉकलेट मिलेगी ऑन द टॉप, हल्की सी आपको कैरमल मिलेगा, लेदर मिलेगा, उसके साथ आपको रम और वेनिला टोंका, ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। और उसके बाद जब ये थोड़ा सा डिवेलप करना शुरू करता है खुद को, तो आपको इसके अंदर एक नोट मिलता है हीलियोट्रॉप का, एक फ्लोरल टच आता है इसमें, जो कि फिर एक मजीद इस कंकॉक्शन को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाता है। आपको हल्के से फ्लोरल मिलने शुरू होंगे, और फिर जब ये अपने फाइनल पैटर्न की तरफ मूव करेगा तो इट बिकम्स लेस स्वीट, और मिठास घट जाती है, और थोड़ा सा ज्यादा वूडी होना ये स्टार्ट हो जाता है टू द ड्राइड ऑन। फाइनल ड्राइड ऑन में आपके पास एक लेदरी स्वेड, जो सॉफ्ट लेदर होता है उसका, और वेनिला का कॉम्बिनेशन बचता है। तो कुछ इस तरह की इस परफ्यूम की जर्नी है, काफी अच्छा है, और मैंने रियली में इसको एंजॉय किया। आई लव्ड द फील एंड द स्टाइल ऑफ दिस परफ्यूम। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में, इसकी जर्नी के बारे में। आप लोग जरूर ट्राई करें अगर आप लोग ट्राई कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। और चलें अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर आप लोगों को एंजल्स शेयर पसंद है बाय किलियन का, या अगर आप लोगों को टॉम फोर्ड का लॉस्ट चेरी परफ्यूम पसंद है, अगर आपको इस टाइप के गवर्नमेंट सेंट्स पसंद हैं, तो आपको ये भी जरूर पसंद आएगा, डेफिनेटली आपको ये परफ्यूम पसंद आएगा। तो अब बात करें अगर परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में कुछ ऐसा है कि 10 on 10। मैंने इस परफ्यूम को 8 से 10 घंटे तक एक्सपीरियंस किया है अपने ऑफिस में, और लॉन्जिविटी 8 से 10 घंटे तक तो मुझे इसकी ईजिली मिली। स्टार्टिंग के कुछ घंटे में बहुत ज़बरदस्त से ये प्रोजेक्ट भी करता है, और उसके बाद इट ऑलवेज स्टेज। अब जब भी किसी से इंटरेक्ट करेंगे उसको खुशबू आपकी जाएगी, आपको शायद खुद आना बंद हो जाए, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनको खुशबू आती रहेगी। लेकिन मुझे इस परफ्यूम की पूरा दिन खुशबू आती रही, इसलिए मुझे नोज ब्लाइंड नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों को शायद कर भी दे। तो परफॉर्मेंस वाइज नो इशू एट ऑल, 10 on 10 परफॉर्मेंस का यहाँ पे कोई इशू भी नहीं है। जेंडर की बात करूँ तो प्योरली यूनिसेक्स सेंट है, क्योंकि इट्स अ गवर्नमेंट टाइप ऑफ सेंट, तो लेडीज जेंट्स कोई भी इसको आराम से लगा सकते हैं। अगर बात करें एज ग्रुप की, तो थोड़ा सा अगर आपको मेच्योर एज में हैं तो ही ज़्यादा मजा आएगा इसका। अगर आप 24-25 साल के अप्रॉक्सीमेटली आसपास हैं तो यू विल बी इंजॉइंग इट, और आप पे ज़्यादा सूट करेगा। अगर बात करें मौसम की, सीजन की, कि यार कैसे मौसम में लगाया जाए, तो पूरा साल लगा सकते हैं। गर्मियों में ऑफकोर्स आउटडोर में नहीं चलेगा, आप इनडोर्स में अगर एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वहाँ पर इसको लगा सकते हैं। उसके अलावा द बेस्ट एक्सपीरियंस विल बी इन विंटर्स, जैसे कि अभी आगे 1-1.5 महीने में यहाँ पर मौसम काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो वी आर गोइंग टू इन्जॉय इट। और अगर बात करूँ मैं इसके ओकेजन की, तो ओकेजन ये कुछ ऐसा है कि इट्स वेरी क्लासी और इट्स वेरी रोमांटिक सेक्सी टाइप ऑफ सेंट। तो आप इसको डेट्स पे, ऑफिस में, मीटिंग्स में, तकरीबन हर जगह आप इसको लगा सकते हैं। ये कोई एक ऐसा परफ्यूम नहीं है जिसको आप किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या जिम वगैरह में लगा सकें, डेफिनेटली आप लोग इतना समझते ही होंगे कि जिस तरह के स्वीट गवर्नमेंट टाइप सेंट्स होते हैं ये जिम में इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देते। उसके अलावा आप इसे स्पेशली रोमांटिक डेट्स के लिए मैं आपको ये जरूर रिकमेंड करूंगा, आप लगाएं एंड यू आर गोइंग टू लव इट। तो ये इसके ओकेजन के बारे में, और चलिए बात करते हैं इसकी प्राइस की। ये परफ्यूम आपको मिलता है 50 ml की क्वांटिटी में, इस खूबसूरत बॉटल और इस खूबसूरत बॉक्स के साथ, प्यारी प्रेजेंटेशन के साथ। और जो इसकी करंट प्राइस है इनकी वेबसाइट पे, वो है 200 euros, और आई थिंक ये ऑल ओवर द वर्ल्ड डिलीवर करते हैं। नाउ द गुड पार्ट हियर इज के आपके भाई को उन्होंने स्पेशल एक कोड दिया है, जिसको यूज करने से आपको डायरेक्ट 10% डिस्काउंट मिलेगा, और कोड है सेंट ऑन 10, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सक रहे होंगे। तो अगर आप ये कोड मेरा अप्लाई करते हैं तो आपको डायरेक्ट 10% ऑफ मिल जाएगा। मैं तमाम लिंक्स वगैरह, कोड वगैरह जो है डायरेक्ट लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके वेबसाइट पे बाय कर सकते हैं, और मेरा कोड आपको यूज करने पे डायरेक्ट 10% ऑफ मिलेगा। इट मींस कि आपको 180 euros में ये मिल जाएगा, और इस तरह का नीश क्लास सेंट जो है वो तकरीबन इसी प्राइस रेंज में आपको मिलता है। और अगर आप चाहें तो आप इनके सैंपल किट भी ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट ब्लाइंड बाय फुल बॉटल नहीं करना चाहते, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इनके डिस्कवरी किट या इनके सैंपल्स ऑर्डर करके, और उसके बाद अगर आपको जो पसंद आए आप उस हिसाब से ऑर्डर करें। तो ये था आज का रिव्यू अबाउट सोलाडोरा मेंडोरले, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरी कोशिश रहती है हमेशा कुछ नई चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँ जिन्हें आप इन्जॉय करें और जिन्हें मैं वाकई रियली में इन्जॉय करता हूँ। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का रिव्यू, कमेंट में जरूर बताइए आपको रिव्यू कैसा लगा, और इसी के साथ भाई को दें इजाजत, मिलूंगा आपको एक अपने नेक्स्ट रिव्यू में जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पैरों का ख्याल रखें, पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट, और अल्लाह हाफिज़।